हैंडशेक विवाद के बाद विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच हुई फाइट, चले आपको बताते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाज और भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कथित तौर पर दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। इससे पहले शनिवार को बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में आरसीबी ने दिल्ली को 23 रनों से हरा दिया था। उस दौरान सौरभ गांगुली कोहली से हाथ मिलाने से बच रहे थे। इस वीडियो में जब मैच के बाद दोनों ही टीमों के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तो उस समय कोहली और गांगुली का जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। बता दें कि इससे पहले कोहली ने भारत के T20 कप्तान के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया था। फिर BCCI अध्यक्ष के रूप में गांगुली के कार्यकाल के दौरान कोहली को वनडे टीम के कप्तान के पद से हटा दिया गया था। उसके बाद कोहली ने 2021 में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में एक आश्चर्यजनक रहस्य उद्घाटन किया कि उनके और चयन समिति के बीच एक दिवसीय नेतृत्व में बदलाव के बारे में कोई संवाद नहीं हुआ और उन्हें टेस्ट श्रृंखला के लिए चयन बैठक से कुछ ही घंटे पहले बताया गया था कि चयनकर्ताओं ने फैसला किया है कि वो कप्तान नहीं होंगे। बता दें कि तभी के बाद से सौरभ गांगुली और विराट कोहली में लड़ाई की खबरें हैं और आए दिन ऐसा होता रहता है कि विराट कोहली मैच खेलते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सौरभ गांगुली को आंखें भी दिखाते हैं और फाइट भी होती है दोनों के बीच।